बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, अस्सलामुअलैकुम बांग्लादेश, कैसे हो भाइयों। मैं हूं मोहम्मद नईम और मैं हूं सजाद जट। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हमने वीडियो देखना है, अ ब्यूटीफुल फ्रेंड फ्रॉम यूके जारा ने सजेस्ट किया है, वो है जी टॉप 10 रिसॉर्ट्स इन सिलहट बांग्लादेश 4 स्टार टू 5 स्टार विद पर नाइट कॉस्ट। तो देखते हैं जी कौन कौन से हैं वो रिसॉर्ट्स सिलहट के हैं ये टॉप 10, सिर्फ सिलहट के। तो देखते हैं गाइस के कौन कौन से हैं और कैसे हैं पर नाइट कॉस्ट क्या इनकी। तो हियर वी गो। ओरिजिनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, तो ओरिजिनल चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल। नंबर 10 द विला लग्जरी रिसॉर्ट, फोर स्टार। ये फोर स्टार है द विला, काफी ब्यूटीफुल है बाहर से तो दम है। श्री मंगल मौलवी बाजार में है जी ये, भेराबगंज लोकेशन इसकी। रूम नहीं भाई, 10,000 से 40,000 तक आपको मिलेगा जी। फोर स्टार, ये वेबसाइट्स भी हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग जो स्पेशली एज अ टूरिस्ट बांग्लादेश में जाते हैं। नंबर 9 पर है जी लेमन गार्डन रिसॉर्ट, लेमन गार्डन नाम है इसका, उसका मोनोग्राम भी लेमन ही है, लीमू। लेमन गार्डन इसका नाम रखने का रीजन, इधर लीमू मतलब लेमन होते हैं ज्यादा, क्या गार्डन है लेमन का, कमेंट करके बताइएगा। कॉस्ट इसकी 0,000 है, ये यहाँ ये तो जबरदस्त है। नहीं भाई बिल्कुल फ्री है क्या? फ्री है, इकोनॉमी भी है और लग्जरी भी है। वन नाइट कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, मजाक कर रहा हूँ, वो मेरे ख्याल में कुछ होगा लेकिन भूल गए हैं जिन्होंने वीडियो बनाया है, वो मिस प्रिंटिंग हो गई है या उनसे मिस टाइप हो गया, मिस टाइप ही हो गया, प्रिंटिंग तो नहीं है, मिस टाइप हो गया। बच्चों के लिए जबरदस्त है जी, इधर अगर आप फैमिली जाते हैं तो। नंबर 8 पर है रिकेंट पार्क रिसॉर्ट, रिकेंट। ये सिर्फ सिलहट के बता रहे हैं, ये भी गाइस 4 स्टार होटल है, रिसॉर्ट 4 स्टार भी अच्छे हैं। 4 स्टार कौन सा कम होता है भाई, 3 स्टार नहीं मानेगा। $5,000 से $20,000 जो है इसका वो पर नाइट जो है वो पे करना पड़ेगा। यस, ये इन्होंने वन नाइट कॉस्ट लिखी हुई है लेकिन हमारे इधर 24 आवर का होता है, तो 24 घंटे का रेंट होता है, 24 होता। ये भी 24 ही होगा ना, वन नाइट मीन्स एक रात और एक डे तो साथ हो गई, लेकिन आपको 4 बजे खाली करना होगा ना। तो उसके बाद उन्होंने सफाई करके 6 बजे के बाद दोबारा बुक करते हैं। ये होता है पाकिस्तान में आपने शाम को 4 बजे से पहले खाली करना होता है, 17-18 घंटे मिलते हैं सर्विस करते हैं, तकरीबन 18 घंटे का होता है क्योंकि उसके 4 बजे तो वैसे अगर आप 2 बजे या 12 बजे लेते हैं ना तो 4 बजे खाली करना ऐसे होता है, वो कहते हैं भाई शाम को ले लें 6 बजे। ये कौन सा है, ये भी 4 स्टार है जी। इसका जी रेंट आपको 4,800 से 12,000 तक मिल जाएगा। लोकेशन है इसके ताल तोला बाजार, कुला कलोरा रोड, मौलवी बाजार कलोरा रोड, कलोरा कुलारा रोड, रंगवाटी रिसॉर्ट। नंबर 6 नजीमगढ़ रिसॉर्ट, नजीमगढ़ जबरदस्त व्यू है इसका,
ये ग्रीनरी नहीं भाई, बहुत है। मुझे तो ग्रीनरी शौक करती है बंदा देख। वो आप भी रेजोर्ट्स हों, वो मतलब हाउसेज हों, विलेजेस हों, बांग्लादेश में कोई भी जगह हो, सिटी हो, ग्रीनरी आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत मिलेगी। जबरदस्त। ये भी 4 स्टार है, नाज़िमगढ़ वाला, नाज़िमगढ़ सिलहट। नाज़िमगढ़ रेजोर्ट इज अ प्रीमियर होटल एंड रेजोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ बांग्लादेश। इट्स डिफरेंट properties in the northeast district of Silhat offers places to stay in tea garden. Okay, तो ये tea garden में है। forest and adventure locations बिल्कुल इस तरह की जो locations होती हैं वहाँ पर वैसे भी काफी मतलब तो मजा आता है। सही बात है। ₹11,544,000 rent है जी। इसका आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इसको मतलब इधर जाते हैं तो। नोविम एको रेजोर्ट। बड़ा जबरदस्त व्यू बनाया यार। और नहीं भाई, जितने भी रेजोर्ट्स हम देख रहे हैं सबके सब जैसे किसी जंगल के अंदर नहीं होते। ये इंटरेस्ट है बाहर से आने के लिए, गुजर के यहाँ से आना होगा ना। ₹5,500 से लेकर आपको ₹12,500 तक जो है रूम मिल जाएगा यहाँ पर। टेंट, नॉन एसी, डुप्लेक्स फैमिली विला, तो ये मतलब आपको मिल जाएंगे। टेंट नॉन एसी जो है वो आपको 5500 में मिलेगा और जो आपको डुप्लेक्स फैमिली विला है वो मिलेगा 12,500 में। ये तो बिशा मोनी, श्री मंगल, मौलवी बाजार, सिलहट। तो रैबिट बांग्लादेश के होटल्स हैं, रेजोर्ट्स हैं, उनमें भी आता है, एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ऑसम है यार। वैसे ओपन सा माहौल बनाया हुआ है, क्या बात है यार। इसका ड्रोन व्यू है नितवेश। अच्छा इसका क्या, 10,000 से लेकर 60,000 प्लस तक जो है जिसको आपको रूम मिलेगा यहाँ पर। सुपीरियर किंग जो है वो आप हाँ वो बोल रहा था सुपीरियर किंग आपको 10,000 मतलब और प्रेजिडेंशियल जो है वो 60,000। ग्रैंड सुल्तान टीजर रेजोर्ट एंड गोल्फ। हमने यार पिछला एक देखा था वो था, वो ग्रैंड सुल्तान नहीं था, वो ग्रैंड पैलेस था। ग्रैंड सुल्तान देखा नहीं, ग्रैंड पैलेस देखा है हम। ग्रैंड सुल्तान देख के उसको देख रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आए थे कि ये ग्रैंड पैलेस होटल है, ग्रैंड सुल्तान ये है भाई ये। वो हमने गलत देख लिया। चले इसको डिटेल के साथ देखते हैं हम नेक्स्ट। यार ये तो बहुत जबरदस्त है यार। है भाई, नहीं भाई इसका नाम भी तो ग्रैंड सुल्तान है ना, ऐसा थोड़ी इसको ग्रैंड सुल्तान बोलते हैं। ओए इसका रेंट चेक कर यार, पाकिस्तानी 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। गाइस
124,000 से लेके ये 24,000 लिखना था, 24,000 से 77,000 तक जाना था, आई थिंक मिस्टेक हो गई इधर। लेकिन ये वाला भी 77% की जो वैल्यू है वो ये टके में, हाँ टका में, ये बांग्लादेशी टका में हम आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तानी वो में तो इधर वाला 1.5 लाख का है ना। हाँ, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल सूट और राज प्रसाद है ना वो 1,24,000 या ड्यूलक्स किंग है वो। नहीं भैया, फ्रांस से वहां तक क्या हो गया यार, इतना नहीं हो सकता। अच्छा, ये ग्रैंड सिलहट होटल है जी, ये भी 5 स्टार है, जबरदस्त है यार व्यू इसका भी। नहीं भाई, एयरपोर्ट रोड पर है जी, खादिम नोगर शोदोर सिलहट, शोदोर ग्रैंड सिलहट। खत्म हो गए कि भी हैं? नहीं, नंबर 1 द पैलेस लग्जरी रिसॉर्ट। ये सिलहट के हैं सारे, तुम यह ना समझना कि ये बांग्लादेश का नंबर वन है, ये सिलहट का नंबर वन है। कम ऑन, ये कौन सा काम है, ओए होए, ये ऐसे स्विमिंग पूल बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, ग्लास फिशिंग के लिए भी प्लेसेस उन्होंने कितनी जबरदस्त बनाई हुई है फिशिंग के लिए। हाँ, फिशिंग करनी है वो जिसने, मतलब वो कर सकता है इजीली। हेलीपैड भी है उधर। ओ, ये वो चाइनीज एक मूवी थी उसमें नहीं हमने देखा ये भूल भैया भूल भैया चले जाओ ना, रिसेप्शन है ये। अच्छा, रेंट क्या है जी इसका? एग्जेक्टिव जो किंग है जी वो आपको मिल जाएगा 10,000 से, और प्रेसिडेंशियल जो है वो आपको 1,20,000। यस, फिर वो भी हो सकता है 1,24,000 ही हो। प्रेसिडेंशियल है, प्रेसिडेंशियल। हाँ जी भाई, विला मतलब ये हाउस की तरह पूरा ही होता है ना, हाउस छोटा सा, किचन वगैरह अंदर ही सारा सिस्टम होता है इसका, विला के अंदर। ये तो बहुत अंदर से नहीं भाई, क्या द पैलेस। ओके गाइस, तो ये था वीडियो जी आज का जो हमने देखा है। तो हमने देखे जी टॉप 10 रिसॉर्ट्स जो के मतलब सिर्फ सिलहट के हैं। इससे पहले हमने टॉप 10 देखे थे बांग्लादेश के भी, और हमने एक पैलेस भी देखा था, सुल्तान पैलेस, तो ग्रैंड पैलेस तो, लेकिन हम ये समझ रहे थे कि वो ग्रैंड सुल्तान पैलेस है, लेकिन काफी दोस्तों के बांग्लादेश से कमेंट्स हमें आए कि ये ग्रैंड सुल्तान नहीं है, ये ग्रैंड पैलेस है, ग्रैंड सुल्तान पैलेस और है, तो आप उसको अलग से देखें। तो लाजमी जी वो भी देखेंगे। तो नहीं भाई, कैसे लगे? ये जो लास्ट के सब आला। हाँ, वो तो सब ओके हैं। ये जो लास्ट वाला था इसका रेंट काफी हाई नहीं है? ये ग्रैंड सुल्तान इससे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे, ग्रैंड रेंट इतना नहीं था। हाँ, लेकिन वो अपने हिसाब से होगा उनके। तो ये था जी आज का वीडियो, हमने देखा जी टॉप 10 रिसॉर्ट्स देखे हैं। तो कैसे लगे आप लोगों को, जो एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है वीडियो ये कि उनको आइडिया होगा कि रेंट क्या है, मतलब कि आप वहाँ पर जाके पहले चेक करें कि रेंट क्या है, तो आपको इस वीडियो से आइडिया हो जाता है कि यह मिनिमम ये है और मैक्सिमम जो है यहाँ तक है, तो आपको फिर कोई टेंशन नहीं होती। वेबसाइट्स दी हुई हैं, आप वेबसाइट्स पर जाएं, अगर आप बांग्लादेश में एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो वेबसाइट को विजिट कर लें। किसी को भी आपने चूज़ करना है तो यहाँ से पहले कि आप लोकेशन हर चीज़ एड्रेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ से उसका इंतखाब करके वहाँ पर जा सकते हैं, और जो रेंट है वो ले जो मतलब रूम है होटल का वो आप रेंट पर ले सकते हैं, पर नाइट का जो रेंट है वो भी दिया गया है। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, अच्छा वीडियो था। तो अब लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।